हेलो गाइस, 10:48 को आए, एक हफ्ता हो गया है और अब मुझे टाइम मिल रहा है वीडियो बनाने का। मैं नहीं बनाता है वीडियो, बट मुझे अपना स्ट्रीक नहीं तोड़ना था भाई। मतलब चैप्टर 10:20 से रेगुलर मैं ये ऐसे वीडियोस बना रहा है, चैप्टर मांगा चैप्टर पे। ऐसे कैसे तोड़ दूँ बताओ स्ट्रीक? मैं स्नैप्स का स्ट्रीक नहीं तोड़ता, इसका तोड़ूंगा लमाओ। वेल, इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव माई ओपिनियन ऑन वन पीस चैप्टर 10:48। ये ना ही रिव्यू है और ना ही एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के भूखे तुम अभी से ही इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हो। और बाकी बचे लौंडे, ये लो पुराना इंट्रो में वाइब कर लो, लेट्स बिगिन। वैसे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट शायद एक ही चीज़ हुआ है और वो है ओरोची का डेथ। ऐसे डेंजिरो पता नहीं कहाँ से आके सर काट दिया भाई। डेंजिरो चीचा करोड़ साल बाद दिखे अपने को इस चैप्टर में। आई वॉन्ट टू नो डेंजिरो चीचा क्या कर रहे थे अभी तक। क्या वो बिग मोम पायरेट्स को संभाल रहे थे? मे बी, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। एंड ओरोची इस बार पक्का मर गया है। लास्ट सर बचा था उसका, ओरोची का, और वो भी कट गया। नाइस, डेंजिरो का ओरोची का सर काटना मेरे को सही लगा, बट अगर हियोरी काटती तो ज़्यादा बढ़िया होता इन माई ओपिनियन। अपने बाप की मार का बदला लेती मस्त हियोरी, बट कोई ना, हियोरी की बाप की मार का बदला डेंजिरो अच्छी सा ले लिए। हाँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में लूफी ने बजरंग गन यूज़ किया है, यस, एंड इट वॉज वेरी नाइस। एक्चुअली मैं ना ऐसे इंडिया के रेफरेंस या फिर किसी इंडियन गॉड के रेफरेंस से अफेक्ट नहीं होता, पता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लाइक मांगा में इंडिया का नाम आ गया, फिर इंडिया से रिलेटेड किसी का नाम आ गया, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? बट इस पर्टिकुलर रेफरेंस से मेरे को अच्छा लगा। मतलब इस चैप्टर में जो रेफरेंस इंडियन यूज़ हुआ वो अच्छा लगा, क्योंकि बजरंगबली भाई हमारे फेवरेट गॉड है। कोई और गॉड का मेंशन होता तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट हनुमान तो यार लाइक बेस्ट। तो अच्छा लगा ये बजरंग गन देख के। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि लूफी का फ्रूट हनुमान जी से इंस्पायर्ड है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कुछ चैप्टर पहले लूफी ने हाइड्रा वाला हरकत किया था जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। वॉट आई थिंक इसकी ओडा मल्टीपल माइथोलॉजी से चीज़ें उठा के लूफी के अटैक्स का नेमिंग कर रहा है, बस दैट्स ऑल। इस पे कुछ आ सकते हैं पता है, बोल के कि भाई देख लूफी ने हनुमान अटैक किया है, हनुमान जी पवन पुत्र हैं तो ड्रैगन भी विंड पावर रखता होगा, ऐसा वैसा। शट अप यार, हर चीज़ में फोरशैडविंग ढूंढने वालों। वेल, इस अटैक को रोकने के लिए काइडो ने अपना फ्लेम ड्रैगन टॉर्च यूज़ किया है, जिसको आई डोंट नो व्हाई लोग अवेकनिंग बोल रहे हैं। आरवीएस, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ यार। देखो, अगर तुम इस पैनल को एकदम जूम करके देखोगे ना, तो तुमको ना इस बड़े से ड्रैगन के हेड के अंदर एक और हेड दिखेगा, जो कि ओरिजिनल हेड है काइडो का, मतलब काइडो इन सेरियो फॉर्म का। मतलब कि काइडो ने अपने मुंह से आग निकाल के अपने ऊपर एक बहुत बड़ा आग का ड्रैगन बनाया इस अटैक में, समझे? ये अवेकनिंग है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इसको अवेकनिंग अभी से क्लेम करना इज़ टोटली रॉन्ग। मेरे को लगता है कि काइडो अगर अवेकनिंग करेगा तो प्रॉपर बोल के करेगा। वैसे अवेकनिंग पे मैंने एक थ्योरी वीडियो बना रखा है, आई बटन पे भी आया होगा, देखो। हाँ, तो यू कैन चेक आउट। इसके अलावा आई गेस बस वानों में जो 20 साल से दुख दर्द हो रहा है वही दिखा है अपने को। मुझे नहीं देखना है यार कि कैसे दामियो लोग मरवा लिए अपना काइडो से। वैसे उशिमारू की शक्ल इस चैप्टर में अपने को ढंग से देखा है, मतलब हम देख सकते हैं, एंड ये बिल्कुल जोरो जैसा नहीं दिखता। जोरो कहाँ पे है भाई, ये कहाँ पे है बहनचोद। वैसे ओडा ने ये चीज़ कंफर्म कर रखा है, ठीक है, कि जोरो इज़ नॉट उशिमारू सन। किसी को नहीं पता तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, SBS में था ये। एंड ये चैप्टर में इतना ही था बस, और कुछ नहीं है भाई इस चैप्टर में, लाइक लिटरली कुछ नहीं। बाकी कुछ बात करने लायक है ही नहीं मेरे पास इस चैप्टर से रिलेटेड। अबाउट कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। कल नेक्स्ट चैप्टर का इंग्लिश कैच जो आ रहा, फुल वोडका बाजी, एंड दैट इज़ इट। 10:49 में मैं एक अच्छा खासा वीडियो बनाएगा, क्योंकि वो माल चैप्टर है, मेरे एग्जाम्स हैं, बट फिर भी मैं बनाएगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स इन माई लास्ट वीडियो, एंड कमेंट्स तो भाई उस वीडियो में दिल खुश कर दिए। लाइक एम भी होने वाला है उसमें, मतलब 1000 likes लाइक लिटरली 2-3 दिन में भाई, गॉड। जिन्होंने नहीं देखा है, आई बटन पे अभी आया होगा वो वीडियो, पॉपअप होगा, यू कैन चेक इट आउट। मेरा कल एग्जाम है तो मैं ज़रा पढ़ने, और अब नेक्स्ट वीडियो मास्टर ने मिलेगी, तो बाय बाय। वेट, शायद मैं हो सकता है कि मैं कल ही 10:49 पे वीडियो बना दूं, क्योंकि कल मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा, फिर 10:49 पे वीडियो बनाऊँगा, मे बी, लेट्स सी। तो अब नेक्स्ट वीडियो मास्टर ने मिलेगी, तो बाय बाय।